ग्रामर नहीं आगी जो बच्चे ग्रामर का एक अखर नहीं आता गा बच्चे भी एग्जाम रीडिंग साढ़े छे सत मिनट ले मन सवाल होंगे बहुत सारे इदा के हो गए जिन्होंने ग्रामर बिल्कुल नहीं आती रीडिंग बिल्कुल नहीं आती होंगी फिर भी रीडिंग सोहने स्कोर ले आते रीजन की है कारण की आजा कारण पता करते हैं थोनू अच गलों बारे दसते हैं कि चीजा का ध्यान रखोगे सो रीडिंग साढ़े छे सत मिनट तुम भी लिजा सकते हो बड़ी ईजीली वो भी रीडिंग परफॉर्म किए बिना रीडिंग टच किए बिना रीडिंग स्किप भी कर दो एग्जाम साढ़े छे सत मिनट जो ईजीली थोड़े आ जाएंगे। सब तो पहली गल रीडिंग इन्ने पार्ट जो नंबर देंगे इन बल्क नंबर देंगे पर रीडिंग परफॉर्म ना भी करिए भी अपनी रीडिंग बड़ी वधिया स्कोरिंग आ सकती है। सब तो पहली गल करते हैं रीड लाउड की हम रीड लाउड है जेडे रीड लाउड अपनी रीडिंग बड़े बल्क स्कोरिंग देंगे रीड लाउड का कंटेंट होंगे जो एक रीड लाउड 15 नंबर का होंगे वा 5 नंबर का कंटेंट 5 नंबर की फ्लुएंसी 5 नंबर की प्रोनंसिएशन हम जो कंटेंट होंगे वा 5 नंबर का 5 नंबर का पूरा कंटेंट जरा वा वो थोड़ी जाना ना रीडिंग पंजाबे जिने भी नंबर आए कंटेंट के चार आए पंजाबे तीन आए जिने भी नंबर रीडिंग सॉरी रीड लाउड आए उन्ने नंबर जाएंगे रीडिंग सो यह चीज का ध्यान रखियो रीडिंग कोई इंप्रूव करनी मुश्किल चीज नहीं की बस आपको पता हो रीडिंग परफॉर्म कि करना परफॉर्म करना वे पता लग जाए रीडिंग सॉल्व करनी बहुत सौखी आ एग्जाम दे विच पांच तो छे तुहानू रीड लाउड आउणगे उह पांच तो छे रीड लाउड जिहड़ा कंटेंट आ उहदा कंटेंट बड़ा वधिया तरीके नाल परफॉर्म कर दो बड़ा वधिया कंटेंट ले आओ चार तो पांच कंटेंट ले आओ उहदा तुहाडे रीडिंग दे विच जिहड़े स्कोर आ बड़े ईजीली बूस्ट हो जाणगे। दूसरी गल आ जिहड़ी रीडिंग नूं दूसरी चीज नंबर दिंदी आ उह हैगी आ राइटिंग दी समरी काफी बच्चों का क्वेश्चन होंगे वा समरी चो राइटिंग की समरी चो स्कोरिंग लैनी ईजी आ बट कई बार इन मिस्टेक हो जाए वा हम राइटिंग की समरी बड़े बच्चों ने चीजा पता नहीं होंगे राइटिंग की समरी किन्ने नंबर जेडे अपनी रीडिंग दिंदी आ राइटिंग की समरी है जी जिदा दो नंबर का कॉन्टेंट होंगे वा दो नंबर जेडे रीडिंग जाएंगे हम राइटिंग की समरी इंप्रूव कर सकते राइटिंग की समरी का टैंपलेट आ बड़ी जल्दी थोड़े शेयर करूंगा और टैंपलेट को ध्यान समझियो ध्यान याद कर लियो और टैंपलेट जो वर्क करोगे और डेफिनेटली प्रोपर वर्क करूंगा सत चो सत नंबर दूगा थोनू राइटिंग की समरी प्रोपर थोड़ी सही होनी चाहिए आ एग्जाम एक तो दो आ सकदियां इह जेकर एक भी मिसटेक ना हुई प्रोपर दो कंटेंट आया थोड़ी रीडिंग जी बूस्ट हो सकती है। एक राइटिंग की समरी जो दो आ गई दो कंटेंट मिला के चार नंबर बन जाने चार नंबर थोड़ी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सो ये चीजा का ध्यान रखियो। अगली चीज आ जी जी की थोड़ी रीडिंग नंबर दिंदी है हाईलाइट इनकोरैक्ट समरी हाईलाइट इनकोरैक्ट वर्ड जेडे उन्होंने तो सारे बच्चों को पता भी हाईलाइट इनकोरैक्ट वर्ड आ जेडे थोड़ी रीडिंग नंबर देंगे बट हाईलाइट इनकोरैक्ट समरी जी होंगी जिन्हों आप एनसीक्यू भी कह दें हाईलाइट इनकोरैक्ट समरी जिन्हों आप एक एनसीक्यू भी कह दें एक एनसीक्यू की तरह होंगे वा हाईलाइट इनकोरैक्ट समरी लिसनिंग एनसीक्यू जो होंगे अपन एक तो दो आते होंगे एनसीक्यू थोड़े ध्यान ना लगा दिया करो वो एनसीक्यू दो तीन भी आ सकते हैं दो तीन नंबर वह थोड़ी रीडिंग दे सकते हैं वह दो तीन नंबर नाल की आ रीडिंग थोड़ी की आ बूस्ट हो जाऊगी कई बार की पता एक अद्धे नंबर तो रीडिंग तो रह जाता सो यह एक दो स्कोर भी रीडिंग की आ बहुत इंपॉर्टेंट आ बड़े बच्चे नहीं पता है उन्होंने लगता भी हाईलाइट इनकोरैक्ट वर्ड जी अगली चीज मैं दसूंगा उ नंबर देने बट हाईलाइट इनकोरैक्ट समरी जिन्होंने एनसीक्यू कह दें यह भी थोड़ी रीडिंग नंबर दिंदियां बहुत बल्क नंबर दिंदियां वा जे दो आ गए तो दो नंबर थोड़ी रीडिंग जाएंगे तीन आ गए तो तीन नंबर रीडिंग जाएंगे। अगली चीज आ सब तो मेन इंपॉर्टेंट जी है हाईलाइट इनकोरैक्ट वर्ड हाईलाइट इनकोरैक्ट वर्ड आ जेडे थोड़ी लिसनिंग का सैकंड लास्ट पार्ट आ ये थोड़ी रीडिंग जरा वा बहुत स्कोर दिंदा वा
एग्जाम दे विच दो तो तीन आ सकते हैं। यह हाईलाइट जिहड़े इनकरैक्ट वर्ड होंगे एक हाईलाइट इनकरैक्ट वर्ड अठ अठ नंबर तक भी जा सकता है एग्जाम दे विच। सो यह बहुत बल्क विच नंबर है जिहड़े वो थोड़ी रीडिंग नूं दे सकते हैं जे एक हाईलाइट इनकरैक्ट अठ नंबर का आ गया। वैसे नॉर्मली तो दो हाईलाइट आउंदे ही आउंदे है एग्जाम दे विच, तीन किसी किस्मत वाले नूं आ सकदे। जेकर दो हाईलाइट इनकरैक्ट अठ अठ नंबर दे आ गए 8, 8, 16 नंबर थोड़े जिहड़े आ रीडिंग नूं चले जाणगे। 16 नंबर थोड़ी रीडिंग वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट वा, इन्ने बल्क विच नंबर ये चीजा जिहड़ियां वा थोड़ी रीडिंग नूं दिंदियां वा। आपां ध्यान नहीं दिंदे गे, आपां नूं लगदा वा आपां रीडिंग ते ही जोर दिंदे रहिंदे आ, आपां इह चीजां नूं भुल जांदे आ। इह चीजां इंप्रूव करोंगे, बाकी मॉड्यूल्स भी अप जाणगे नाल दी नाल थोड़ी रीडिंग भी अप जाऊगी। जेकर रीडिंग नूं लैके थोड़े मन दे विच कोई भी सवाल आ तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच मेरे तों पुछ सकदे हो, ते चैनल नूं सबसक्राइब करो साडे वीडियो डेली डेली देखण वास्ते। अगली गल करदे आ वी किहड़ियां किन्नियां चीजां हैगियां टोटल आ वी अपने नंबर दिंदियां, चार चीजां टोटल आ जिहड़ियां रीडिंग नूं नंबर दिंदियां वा। पहली चीज आ जिहड़ी रीडिंग नूं नंबर दिंदी सी ओह सी रीड लाउड, दूसरी चीज सी जिहड़ी रीडिंग नूं नंबर दिंदी आ राइटिंग दी समरी, तीसरी चीज जिहड़ी रीडिंग नूं नंबर दिंदी सीगी हाईलाइट इनकरैक्ट समरी लिसनिंग दा एमसीक्यू, ते फोर्थ चीज आ जिहड़ी रीडिंग नूं नंबर दिंदी आ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, 10 ਵਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਪੋਸਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡੇਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਊਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।